अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीरियसली इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी भी 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो आज बात करेंगे ऑन सेल्फ केयर। देखिए, सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक मैं जब स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं थोड़ी सी बहुत इम्पॉर्टेंट बात कर दूँ। जब हमारी बेटियाँ होती हैं ना, या हम जब बच्चे थे, तो हमें ना मेंटली तौर पे प्रिपेयर किया जाता है कि कल पराए घर जाना है तो ये नहीं आता, या फलां चीज़ नहीं आती तो कल वो लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं था। ये चीज़ें सारी ना हमारी सोसाइटी में बहुत इन है, और ये शायद हमने भी सुनी होंगी, शायद हम अपने बच्चों को भी बोलते होंगे। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, आप अपने बच्चों को अभी से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें कि आगे वर्स्ट आने वाला है। सो Prepare for the worst situation. No, don't do this. फिर जब शादी हो जाती है तो बेचारी ये सोचती है कि अच्छी ज़िंदगी तो होगी ही नहीं, और जब नहीं भी होती या होती है, वो बहुत रेयर होते हैं, बट द थिंग इज़ कि उसके बाद ना औरतें अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं, और 30-40 की एज में उनको लगता है कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली, क्योंकि एक तो उनको खुद लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, और दूसरा जो वो उनके आस पड़ोस वाले होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा भी तैयार हो जाए तो उनको खलना शुरू हो जाता है कि जी ये तो बड़ी मस्त है, तो ये तो मीन्स तैयार होती है, तो मेकअप करती है, ये तो ये करती है, ये तो वो करती है। ये हमारी सोसाइटी में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया बांग्लादेश ये हर जगह पर है, हर जगह पर है ये सब कुछ कि जी अगर कोई औरत अपना ख्याल रख रही है आफ्टर 30, 35, 40, 50, उनको लगता है मस्त है ये औरत, या ये अच्छी माँ नहीं है। माँ का अच्छी माँ का टैग क्या है कि जी सर झाड़ मुंह पहाड़ होनी चाहिए, गंदी सी होनी चाहिए, और बस बच्चों में खप रही हो सारा दिन। दैट इज अ गुड मदर टैग इन आर सोसाइटी। और अगर आप अपनी थोड़ा सा केयर कर लें, लिपस्टिक लगा लें, तो जी ये तो सारा दिन अपने आप में लगी होती है, तो इसको तो अपने बच्चों का ख्याल नहीं है। ये सारी चीजें ना, ये हमारी सोसाइटी में बहुत इन है। अगर आप अपना ख्याल रखते हो ना, तो लोग आपके पीछे बातें करना शुरू कर देते हैं। सो आज मैं आपके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ कि प्लीज स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स एंड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ जी, तो नंबर वन टिप इज पैम्पर योरसेल्फ। हमें क्या होता है कि लाइक अब आप लोगों के साथ मैंने एक दफा शेयर किया था कि मैं तकरीबन कोई 4-5 साल से पार्लर नहीं गई। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं पार्लर नहीं गई तो मैंने कभी अपने आप को पैम्पर नहीं किया। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, मैं अपनी सारी जो काम है मैं अपने खुद करती हूँ। वैक्सिंग है, अपने पेडिक्योर है, मैनिक्योर है, फेशियल है, मसाजिंग, एवरीथिंग आई डू इट बाय माय सेल्फ, और ये मुझे अच्छा लगता है। हाँ, पार्लर जाके भी बहुत मजे का लगता है अगर आपको बहुत साफ सुथरा पार्लर मिल जाए। मुझे थोड़ा सा होता है कि पार्लर शुड बी क्लीन। तो अगर आप अपने आप को पैम्पर करती हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई हार्म नहीं है, आप अपना ख्याल रखें। अगर आप पार्लर अफोर्ड नहीं कर सकती, देखिए मैं तो नहीं जाती इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि पार्लर इतने नीट नहीं होते। अगर आप पार्लर नहीं जा सकती, आप अफोर्ड नहीं कर सकती, अपना मैनिक्योर, अपना पेडिक्योर अपने घर में करें। और अगर कोई आपको बोलता है कि अपने हाथ पैर और अपने आप की सफाई रखना में आप मस्त हैं, और आप जो है ना, आपका दुनिया में कोई और काम नहीं है और आपको बस सिर्फ इसी चीज़ की पड़ी हुई है, तो उनको ना सीरियसली उनके उनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि वो आपसे जेलस हैं। वो नहीं चाहते कि आप अच्छा लगें, वो नहीं चाहते आप खूबसूरत लगें, वो नहीं चाहते आपके हाथ पैर अच्छे लगें। सो बेटर यही है कि आप उनकी बातों पे ध्यान देना छोड़ दें और अपने सेल्फ केयर करें, मतलब अपने आप को जो है ना, अपने आप को पैम्पर करें, अपना तेल लगाएं, बाल धोएं, प्यारे से ब्लो ड्राई कर लें घर में बैठ के। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को पड़ेगा फर्क, आपको नहीं पड़ेगा। आपने अपनी सेल्फ केयर करनी है, आपने अपने आप को खूबसूरत बनाना है, आपने अपना ख्याल रखना है। ये बात हमेशा याद रखें। कोई बाहर का बंदा आके आपको नहीं कहेगा कि आज तुमने बाल नहीं बनाए हुए, आज तुम्हारा सर बाल गंदे हैं, या तुम्हारे पैर कितने गंदे। हाँ, गंदे बोलेंगे, बट ये नहीं कहेंगे कि तुम मैं पेडिक्योर ही करके आ जाओ। तो आपने आज से अपना ख्याल रखना शुरू करना है, अपने आप को पैम्पर करना है, और लोगों की बातों में ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट मूविंग। गेट मूविंग का मतलब है कि आपने अपने पेरेंट्स को खूबसूरत बनाने के लिए आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है सुबह उठ के। लाइक अभी मैं शादी पे गई थी, तो वहाँ पर मुझे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना, मुझे एक मेरी फ्रेंड बनी, एंड शी इज सच अ नाइस पर्सन। शी सेड मैं एंड शी वाज हैविंग अ वेरी गुड फिगर, मतलब इन अ सेंस के जैसे एथलीट्स का होता है ना। तो मैंने उससे पूछा, तो शी सेड कि मैं ना सुबह उठ के एक आधा घंटा स्ट्रेचिंग करती हूँ और कुछ नहीं करती। तो मैंने कहा कितना अच्छा है कि आप स्ट्रेचिंग करो और आप जो हो ना, आप अपने फिजीक को खूबसूरत बनाओ।
अपने वॉक करने निकल जाए, बाहर नहीं जा सकती, घर के अंदर एक्सरसाइज कर लें, स्ट्रेच कर लें, पिलाटेस कर लें, योगा कर लें, जो आपको एक्सरसाइज सूट करती है आप करें। आपका हक है कि आपको खूबसूरत लगना है। आप दुनिया की बातों को ना याद रखें, दुनिया का बस चले ना तो वो यही चाहे कि आप ना गंदे और अजीब से रहें, सर झाड़ मुंह पहाड़ है, जो प्रॉपर मिसाल है ना, दुनिया यही चाहती है। तो आपने नहीं रहना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोगों का क्राइटेरिया ये होता है कि अगर जितनी औरत जो है ना वो यानी कि अपना ख्याल नहीं रखती तो वो बड़ी अच्छी माँ का टैग होता है उस पर। तो ये बात याद रखें, ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपने लोगों की बातों में नहीं आना। मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल हूँ, मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। मुझे होता है कि अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी तो कोई और आके मेरा ख्याल नहीं रखेगा। मैं जब मेरे डेज होते हैं मैं नेल पॉलिश भी लगाती हूँ। मुझे अभी भी फतवे बहुत से आ जाएंगे कि आपने नेल पॉलिश लगाई हुई है इस वीडियो में। तो मैं शादी पे गई थी और आई एम हैविंग माय डेज, तो मैं इसमें कभी भी कुछ भी लगा सकती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। और हाँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ जब, फिर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। सो द थिंग इज कि होप आप लोग समझ रहे होंगे कि जब आपका दिल चाहता है तो आप कोई भी काम कर लिया करें। बैठ के फेशियल कर लें अपना। इतने इतने मेरा ब्यूटी चैनल पे इतने ढेर सारे जो है ना, मैंने आप लोगों के साथ होम रेमेडीज शेयर किए हैं। आप अपने होम रेमेडीज कर लें, अपने फेस पे मास्क घर के चीजों के बना के लगाएं, अपने बालों में मास्क लगाएं, अपने हाथों पैरों का ख्याल रखें। ये आपका आपका हक है। एंड फिजिकल एक्टिविटी करना भी आपका हक है। आपको कोई नहीं मना कर सकता कि आप एक्सरसाइज क्यों कर रही हो। अगर कोई मना करते हैं कान से सुन के दूसरे से बिल्कुल निकाल दे, क्योंकि खूबसूरत लगना ना, मैं समझती हूँ कि हर इंसान हर औरत का फर्ज है कि वो खूबसूरत लगे, अच्छी लगे, प्यारी लगे। और अगर कोई इसको मना करता है तो बिलीव मी यही सोच लें कि द पर्सन इज एक्सट्रीमली जेलस, वो मुझसे बहुत शदीद किस्म का जेलस है इसलिए कि वो इस तरह की बातें कर। तो आज से आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है टू लुक अट्रैक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडल्ज इन योर हॉबी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी इतनी ढेर सारी हॉबीज हैं, इतनी लाइक बेकिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, वॉचिंग मूवीज, एंड मुझे क्रोशिया का काम बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा आता है, और इसके अलावा बुक्स रीडिंग। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपनी हॉबीज से ही स्टार्ट करती हूँ। मैंने प्लान बनाया होता है कि आज मैंने ये खाना पकाना है, मैंने ये आज बेकिंग करनी है, या मैंने आज अपने पूरे पौधों को पानी देना है। मैं पूरे पौधों को जा के देखती हूँ किसका लीफ निकला है, किसका नहीं निकला। ये मुझे इनर खुशी देती है ये चीज। ये बात याद रखिए कि हॉबीज जो है ना वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता, वो आपको एक इनर हैप्पीनेस देता है। और रात को जैसे आपका दिल चाहता है कि चलो कोई मूवी देख लेते हैं, तो आपने ना अपने आप की एक आद हॉबी को आज से स्टार्ट करना है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपने फिजिकल हेल्थ भी कर ली, आपने अपनी अपीयरेंस पे भी काम कर लिया, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ मैं एक बात बताऊं सबसे पीक पे होती है। अगर आपका दिमाग और आपका दिल खुश है ना तो आप चेहरे पे नजर आएगा, आपका चेहरा ग्लो करेगा। अगर आप अंदर से खुश नहीं है ना, आपके चेहरे पे छाइयां, इतना चाहे जितनी आप विटामिंस खा लें, अगर आप अंदर से खुश नहीं है ना वो आपके चेहरे पे नजर आता है। ये बात याद रखिए। तो हेल्दी मेंटल लेवल को हेल्दी करने के लिए ना आज से आपने कोई ना कोई हॉबी, कोई भी हॉबी जिसमें अगर आपको पौधे अच्छे लगते हैं, आपके घर में पौधे पड़े हैं, आप अपने पौधे निकालें, उनको साफ करें, उनकी गोडी करें, उनको पानी दें। सीरियसली अगर आप अपने पौधों के साथ हर रोज डेली सुबह सवेरे, बिलीव मी मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, मैं हर रोज आपके साथ, तो मैंने अभी शेयर नहीं किया, अभी तो मैंने अपनी बैल्कनी में भी पौधे रख दिए। तो मैं ना सुबह सवेरे जब उठती हूँ ना, तो मैं एक दफ़ा अपनी बैल्कनी में जाती हूँ, मैं अपने हर पौधे को देखती हूँ, उसके पत्ते देख रही होती हूँ, कौन सा कोई नया पत्ता निकला है। तो मुझे जो हैप्पीनेस मिलती है ना सवेरे सवेरे को 5-6 बजे के करीब, वो आपको कोई और चीज़ दे ही नहीं सकती। वो हैप्पीनेस वो देती है आपको आपकी हॉबी। सो स्टार्ट एनी हॉबी, कोई भी हॉबी स्टार्ट कर लें, बेकिंग कर लें, कुकिंग कर लें, पौधे कर लें, मूवीज कर लें, बुक रीडिंग कर लें, लेकिन कोई ना कोई हॉबी स्टार्ट करें फॉर योर सेल्फ केयर। नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्ट विथ फ्रेंड्स। देखिए वो फ्रेंड्स जो रियल में आपके फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स नहीं जो दिखावे के फ्रेंड्स हैं। मेरी फ्रेंड्स एक रहती है मुल्तान में, एक रहती है कराची में। सीरियसली अगर मैं उनको 10 दिन 20 दिन महीने बाद भी फ़ोन करूँ ना, तो मुझे ये फील ही नहीं होगा कि मैं इनसे इतने अरसे के बाद बात कर रही हूँ। उनसे बात करें, आपके फ्रेंड्स हैं अगर उसी सिटी में रहते हैं, उनके साथ जाएं, टी कॉफ़ी पे जाएं, खूब अच्छा सा तैयार हों, टी कॉफ़ी पे चले जाएं। देखिए आप लोग तो मोस्टली, जैसे मैं क्वेटा जाती हूँ ना, तो मेरी फैमिली वहाँ पर बहुत है,
अगर फ्रेंड्स ना हो तो फैमिलीज के पास चले जाए, वो उन फैमिली जो आपके साथ खुश होते हैं, आपकी खुशी में खुश होते हैं, उनके घर जाएं, ताकि आप ना सीरियसली, जब इंसान ही इंसान की खुराक होती है, आप जब उनके पास जाते हैं, उनसे बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, यू फील गुड। जैसे मेरी अम्मी आई हुई हैं तो वो मैं उनके साथ इतना अच्छा इंजॉय करती हूँ, बाजार चली जाती हूँ, बैठ के हम गप्पे लगा लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, तो वो मैं कहती हूँ इंसान इंसान की खुराक होते हैं। अगर आपकी कोई फैमिली इस तरह नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ अपना थोड़ा सा टाइम जरूर गुजारा करें, या तो कॉल लिया करें, नॉट लंबी कॉल है मैंने फेवर में, या तो कॉल कर लें या उनके साथ चले जाएं, उनके उनसे बातें कर लें, बट फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम गुजारें, ताकि आपको ना एक इनर सेटिस्फेक्शन और इनर हैप्पीनेस मिले। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक अ टेक्नोलॉजी ब्रेक। ये तो मैं आपको बहुत दफा बता चुकी हूं, मैं आपसे सच्ची बताऊं कि जब से मैंने इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस ऑफ की हैं, मेरी जिंदगी में इतना सुकून आ गया ना, मुझे याद भी नहीं होता कि इंस्टाग्राम है, मुझे याद भी नहीं होता व्हाट्सएप है। मैं कभी कभी रेयरली खोल के चेक कर लेती हूँ कि कोई बहुत ज़रूरी होगा तो मुझे कॉल आ जाएगी, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी वो चीज़ें जो कि आपकी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम खा जाती हैं, और जब आपका वो टाइम ले लेती हैं तो आपके पास अपने लिए टाइम नहीं बचता। तो बेहतर है कि वो रील्स को सीरियसली, मुझे तब लगता है जब, हाँ रात को मैं थोड़ा 15-20 मिनट अपने आप को देती हूँ, थोड़ा सा रील्स देख लेती हूँ और फिर अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर देती हूँ, दैट्स इट। उसके बाद मुझे पूरा दिन इंस्टाग्राम याद ही नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स मैं अपना इंस्टाग्राम बिल्कुल ही लॉग आउट कर देती हूँ, बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ, ताकि एक हफ्ता दो हफ्ते इतना मेंटल पीस होता है, उसके बाद आप ऑन करके चेक कर लें। सो टेक्नोलॉजी से ना ब्रेक जरूर लिया करें, सारा दिन टेक्नोलॉजी को मत दें, वरना आपकी जिंदगी में कोई और काम करने वाला नहीं होगा। आप सारा दिन जब इस पे रहेंगे ना तो आपकी जिंदगी एक्सट्रीम पर डिस्टर्ब होती है। जब आपकी जिंदगी डिस्टर्ब होती है तो आप खुश रह सकते हैं? नहीं। तो बेहतर है कि इससे ब्रेक ले लें और इससे दूर रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट क्रिएटिव। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आप लोगों के इतने मैसेजेस आते हैं, आपने इतनी अच्छी डेकोरेशन कर ली, आप अपने घर का टूर दें। अभी भी मेरे हिसाब से मेरा घर नहीं सेटल, क्योंकि मेरा सोफा जो है वो इंशाल्लाह एक दो दिन में बन के आ जाएगा। जैसे मैंने स्टोरी सुनाई थी, इतना मेरा जो है वो टाइम वेस्ट किया मेरे एक और सोफे वाले ने, तो अब मुझे है कि मैं जब सोफा आएगा तो मैंने तो इतने प्लान बनाए हुए हैं कि मैंने तो वॉल ऐसे डेकोर करनी है, मैंने तो टेबल ऐसे डेकोर करना है, मैंने तो ये चीज़ ऐसे करनी है, फिर उस और फिर मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि आफ्टर लाउंज मैंने अपने डाइनिंग को सेट करना है, मैंने अपनी बेटी के कमरे को सेट करना है, देन मैंने ये करना है, देन मैंने वो करना है। इट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। तो क्या है, इट इज़ योर क्रिएटिविटी। अब मैं बैठ के सिर्फ सारा दिन ये सोचूं, फलां ने मुझे ये कह दिया, डिमका ने मुझे, या ये कमेंट आ गया, या फलां मेरी फैमिली में ये हो गया था, किसी ने मुझे ये नहीं कहा, फलां ने, तो उसमें क्या होगा, मैं तो सारा दिन नेगेटिविटी के अंदर ही बैठी रही ना। तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को ना क्रिएटिव हो जाए, आप किसी अपने माइंड को किसी और जगह पे लगा दें, उस जगह पे सोचे ही ना, आप अपने लिस्ट बनाए, टू डू लिस्ट में क्रिएटिविटी, ये जगह डेकोर करनी है, आज मैंने इस कोने को सेट करना है, आज मैंने किचन के कोने को सेट करना है, आज मैंने अपने कपड़ों को डिजाइन करना है, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिविटी, आज इस टाइप की क्रिएटिविटीज लेकर आए अपनी लाइफ में, आज मैंने एक नया हुनर सीखना है, मैंने निटिंग सीखनी है, इस टाइप की चीज़ों में अपना टाइम लगाया करें, ना कि सीरियसली दुनिया से बातें करने में, दुनिया से की नॉलेज हासिल करने में, उन मीन्स दुनिया की मतलब फैमिली नॉलेजेस की, उनसे इससे बात कर ली, उसके बारे में मालूम हासिल, नहीं, आई थिंक ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। वंस अ ब्लू मून ठीक है, नॉट ऑल डे लॉन्ग। सो बेहतर है क्रिएटिव बने, अपनी लाइफ को क्रिएटिव बनाए, अपने घर को खूबसूरत बनाए। नेक्स्ट इज ट्राई अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी बिलीव मी एक ऐसी चीज है जो शायद मुझे इससे पहले इतनी अच्छी नहीं लगती थी, कई मीन्स 8-9 महीने पहले। अब जब मैं अपने पूरे घर को, मेरा सुबह घर साफ हो जाता है, मैं अपने घर में डिफ्यूज़र के अंदर जो है ना 2-3 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल के, जैसे मुझे सिट्रस की स्मेल बड़ी अच्छी लगती है, वो मैं 2-3 ड्रॉप्स डाल देती हूँ, जो भी अरोमा आपको अच्छा लगता है 2-3 ड्रॉप्स डाल दें, और उसके बाद देखें आपका घर की जो खूबसूरत खुशबू होती है, नहीं है ये, आप कैंडल्स ऑन कर लें रात को, मगरिब के बाद अपने घर में कैंडल्स ऑन कर लें, आपका घर इतनी प्यारी खुशबू देगा, इतना मज़े का आपका घर लगेगा, आपको इतनी दिली सेटिस्फेक्शन होगी कि आपके घर से एक बहुत प्यारी सी महक आ रही है, एक बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो ज़रूर ट्राई करें अरोमा थेरेपी, इट विल हेल्प यू इन योर मेंटल पीस एंड इन योर लाइक घर की जो अपेयरेंस होती है ना, एकदम कोई आता है तो उसको एक जो अच्छी सी खुशबू आती है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। सो प्लीज़ ट्राई दिस अरोमा थेरेपी। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज योर स्लीप। होता क्या है कि हम दिन में 5 घंटे, मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं तो अगर सुबह 4 बजे उठ गई, 5 बजे उठ गई, तो फिर तो मैं सारा दिन, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि रात को जो इतनी लेट सोते हैं ना लोग,
तो आप अगर अपनी स्लीप को अपनी जिंदगी का की सबसे पहले प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, यू विल नेवर लर्न टू बी हैप्पी। जब आपकी नींद पूरी होती है ना, बिलीव मी, आपका दूसरा दिन इतना फ्रेश होता है। ट्राई करें रात को 9 बजे के बाद अपने फ़ोन को मत हाथ लगाएं, स्क्रीन्स ऑफ कर दें, मतलब टीवी, फ़ोन सब कुछ अपने साइड पे रखें और अपने बेड पे चढ़ जाएं। मैं बेड पे चली जाती हूँ 9:30 बजे तक चली जाती हूँ, क्योंकि मैं थकी भी होती हूँ सारे दिन की। 9:30 बजे जाती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा 11:30 बज जाते हैं मुझे सोते सोते, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं 11 बजे तक सो जाऊँ। और मैं जब सुबह उठती हूँ मैं इतनी फ्रेश होती हूँ। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना, बिलीव मी, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जब नींद पूरी नहीं होगी तो क्या काम हो सकता है? मुझे सिर्फ एक बात बता दें, सर चकरा रहा होता है, सर हैवी होता है, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, आप सैड भी फील करते हो, आप एंजाइटी भी फील करते हो, आप डिप्रेस्ड भी फील करते हो। तो ट्राई करें कि अपनी नींदें पूरी करें, ताकि आप जो है ना, जब नींद पूरी होती है ना तो वो आपके चेहरे पे भी नजर आती है। एक नींद और एक पानी, ये दो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ना हमारी लाइफ में, कि हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो पानी नहीं पीते। मेरा एक ग्लास है, मैं आप लोगों ने पता नहीं कितनी दफा देखा होगा, चीता प्रिंट बना हुआ है, क्योंकि मुझे स्टाइलिश चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, एंड उसमें तकरीबन 900 ml तक पानी आता है, और वो मैं दिन के पता नहीं कितने ग्लास खत्म कर देती हूँ, पीती रहती हूँ। सिर्फ ये नहीं कि मेरी स्किन अच्छी होती है, इट इज़ गुड फॉर योर हार्ट, इट इज़ गुड फॉर योर यू नो डायबिटीज। आप जितना पानी पियेंगे ये सारा फ्लश आउट होगा और आपकी स्किन प्यारी होगी, सारे टॉक्सिक्स निकल गए आपकी बॉडी से, आपका शुगर कंट्रोल में आ जाता है, आपका जो है वो BP कंट्रोल में आ जाता है। आपको और क्या चाहिए? अगर आप ये सब कुछ अपने पानी पियेंगे और अपनी नींद पूरी करेंगे ना, आपको किसी ब्यूटी थेरेपी की नीड नहीं है, किसी पार्लर की नीड नहीं है, आपकी खुद की स्किन इतनी खूबसूरत हो जाएगी, इतनी प्यारी स्किन। सीरियसली, मेरी एक कुलीग थी, उनकी बेबी स्किन थी और वो इतना पानी पीती थी। क्यों? क्योंकि वो पानी ना, वाटर कैन डू मिरेकल्स, बिलीव मी, वाटर कैन डू मिरेकल्स। तो सेल्फ केयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उसमें पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्राई टू ड्रिंक वाटर एंड ट्राई टू स्लीप कम अज कम 8 से 9 घंटे। होप आज के जो जितने पॉइंट्स मैंने आप लोगों से शेयर किए ना, ये आप लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल रहे होंगे। एंड ये जो सारी आज आपने रूटीन देखी, मैं बिल्कुल लेजी नहीं थी, मैं आई हूँ शादी से, आते ही नेक्स्ट डे मैं अपने कमरे पे लग गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा कमरा बड़ा निगलेक्टेड रहा है इतने दिनों में, और मैं काफ़ी बिजी भी रही थी, तो मुझे था कि आज मैं अपने कमरे की अच्छी डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मैंने अपने कमरे को बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीन किया। एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड आई एम वर्किंग ऑन माई रूम एंड माई हाउस। एंड जो आज का टॉपिक है, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुझे था कि चले मैं आप लोगों के साथ आज इसको डिटेल में जो है ना शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं। सो ये मैंने अपना कमरे को सेट भी कर लिया और आप लोगों से मैंने इतनी बातें भी कर ली। एंड होप आज से आप लोग अपनी सेल्फ केयर करना शुरू कर देंगे, अपनी मेंटल, फिजिकल एंड अपने हेल्थ की, ठीक है? सो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।